सो हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो गाइस। तो देखो अपन लोग आ चुके हैं ललित कार एक्सेसरीज पे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस दिखाई है, तो अपने पास बेसिकली आ जाइए दो स्विफ्ट, दोनों ही बेस वेरिएंट रहने वाला है। एक स्विफ्ट यहाँ पे अपनी देख सकते हो आप, इसमें भी मॉडिफिकेशन होना है। एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट अपनी इधर भी खड़ी है, तो इसमें भी मॉडिफिकेशन होना है। बेसिकली दोनों को ही अपने LXi से ZXi में कन्वर्ट करने वाले हैं। ZXi प्लस बोल सकते हो आप, क्योंकि इसमें मीटर वगैरह जो भी चीज़ें हैं सभी हम चेंज करने वाले हैं। और पावर विंडो जो है दोनों में अपना ओरिजिनल MGB वाला लगने वाला है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। यानी कि अपने गत्ते जो है वो भी चेंज होने हैं। सेंट्रल लॉकिंग अपने RD की इंस्टॉल हुई है 4 डोर्स की, और ये सारा काम हो रहा है अपने ललित कार एक्सेसरीज पे। तो कंपोनेंट से लेकर के सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल होगी। आपको एटीट सारा प्रोसेस दिखाने वाला वीडियो में। दोनों ही अपने स्विफ्ट में मॉडिफिकेशन आज कंटिन्यू है, तो चलते हैं व्हाइट वाली स्विफ्ट में अपनी। A to Z आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, क्या क्या काम इसमें होना है। तो भाई अपनी स्विफ्ट में देखो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो बेसिकली यहाँ पे अपना ORVM आता है, जो बेस वेरिएंट में जो अपने हाथ से आप एडजस्ट करते हो। तो इसमें अपन टॉप मॉडल वाला जो अपना ORVM आता है विद इंडिकेटर, तो प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हो रेन वाइजर प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है इसके अंदर। और अंदर की तरफ मैं आपको अगर दिखाऊँ तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। लाइक देख सकते हो अभी 4 डोर्स की यहाँ पे अपनी जो सेंट्रल लॉकिंग आती है RD की प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है। ऑल 4 आपको दिखाऊंगा अभी। सो भाई MGP ओरिजिनल जो आता है अपना पावर विंडो, तो ऑल 4 के यहाँ पे अपने पावर विंडो भी इंस्टॉल होने हैं। उसके बदले हम अपन को यहाँ पे गत्ते भी जो उसके होते हैं वो प्रॉपर यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। जो इसके आप गत्ते देखते हो गत्ते भी चेंज होंगे, और अपना ऑल 4 ओरिजिनल पावर विंडो जो आती है MGP की वो प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगी। और कोई भी आपकी इसमें वायरिंग कट नहीं होती, प्रॉपर अपना कपलर टू कपलर फिटिंग होता है। अंदर की तरफ मैं आपको दिखाऊँ क्या क्या काम हो चुका है अपना। तो यहाँ पे देख सकते हो निपॉन का अपना एंड्रॉयड इंस्टॉल हो चुका है, और बेसिकली 9 इंच का रहने वाला है विद। यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर इसका फ्रेम आता है, तो प्रॉपर फ्रेम के साथ ही अपना इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे प्रॉपर अपना OEM फिटमेंट के साथ जो स्टेयरिंग को रैप किया जाएगा अभी। इधर की तरफ एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ, तो अपना जो ZXi प्लस में जो अपना मीटर आता है, तो प्रॉपर यहाँ पे मीटर अपना इंस्टॉल हो चुका है। इसका फाइनल रिस्पॉन्स मैं आपको दिखाऊंगा। अपनी पूरी गाड़ी जो है अभी ओपन है। बेसिकली भी इसमें प्लान कर रहे थे JBL के जो अपने कॉम्पोनेंट आते हैं, बट अभी इसको शिफ्ट करें मे भी इसके अंदर फोकल का इंस्टॉल होगा। और जितनी भी चीज़ें इसमें होनी है, जितना भी काम होना है, आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो काफ़ी अच्छी बनने वाली है। और मैं आपको पीछे की तरफ भी दिखा देता हूँ एक बार। पीछे की तरफ भी देख लो, यहाँ पे जो अपनी सेंट्रल लॉकिंग है RD की प्रॉपर ऑल 4 के लिए इंस्टॉल हो चुका है। सो भाई जैसा मैंने आपको व्हाइट वाली स्विफ्ट का काम दिखाया है, तो इसके अंदर देखो अपना पिलर लाइट जो भी है प्रॉपर इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। ऑन द सेम टाइम अपने पास इधर भी एक जो अपनी मैंने आपको स्विफ्ट दिखाई थी, सो इसके अंदर भी बहुत सारा काम होना है। मैं आपको अंदर की तरफ दिखाता हूँ एक बार। सो भाई देखो अपने सचिन भाई इसमें कौन सा कंपोनेंट लगाया हमने? JBL का कंपोनेंट। तो भाई इसके अंदर JBL का कंपोनेंट लगा दिया है। ट्विटर यहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट हो चुकी है, एंड फिनिश देख सकते हो, कहीं से भी आपको आफ्टर मार्केट की चीज़ें नहीं लगेंगी, प्रॉपर फिनिश के साथ है। इसके अंदर भी हमने सारा ही काम किया है बेसिकली। जो मीटर है अपना मीटर स्टॉक रहने वाला है, बाकी सारा ही हमने चेंज किया है। एंड्रॉइड स्टीरियो देख सकते हो, और A to Z जितना काम था गाड़ी में सारा हुआ है। इधर की तरफ देखो प्रिंस भाई अपने लगे हुए काम करने में। सेंट्रल लॉकिंग ऑल 4 की अपने इसके अंदर भी इंस्टॉल हो चुकी है, और RD की सेंट्रल लॉकिंग आप देख सकते हो। तो प्रॉपर ही इसका भी सारा काम हुआ है। इसके अंदर एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे जो पावर विंडो आती है MGP की ओरिजिनल इसके अंदर इंस्टॉल हुई है, और इसमें ORVM भी इंस्टॉल हो रहा है अपना। नहीं वो अभी नहीं होगा। ठीक है भाई, ORVM भी है बाद में, मे भी कराएं, अभी बोल रहे थे अंदर की बाद में शिफ्ट करेंगे। और ये जो प्रॉपर है इसके अंदर अपना वो लगाएंगे ना हम, इसका स्विच लगाएंगे। ठीक है भाई, तो इसका स्विच हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे प्रॉपर, बट ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है क्योंकि अपना ORVM है जो स्टॉक रहने वाला है। और जो अपने पावर विंडो है MGP के ओरिजिनल इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो इसके लिए मैं जो पूरा गत्ता आता है इसका गत्ता भी चेंज होता है, यानी कि चारों गत्ते हमने इसके चेंज कर दिए हैं। और ये कुछ ओवरऑल प्रोफाइल है अपनी स्विफ्ट बेस वेरिएंट LXi था, जिसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन हमने कर दिया है। ऑन द सेम टाइम अपने पास इधर भी जो व्हाइट कलर की स्विफ्ट है, तो भैया ऑनर है रेवाड़ी से आए हुए हैं और ये सारा काम करवा रहे हैं इसमें। तो जैसे जैसे प्रोसेस रहता है A to Z आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको हेल्प हो सके अपनी कार की मॉडिफिकेशन कराने के लिए। सो अंदर की तरफ एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो अपने जो फोकल के यहाँ पे प्रॉपर सीरीज मैं आपको बता देता हूँ। इधर की तरफ देखो आप, ऑडिटर RSE 165 का सीरीज रहने वाला है फोकल के। तो बेसिकली कंपोनेंट है इसके दो पेयर इंस्टॉल होने वाले हैं, एक पेयर अपना वहाँ रखा हुआ है एंड अनदर वन इज हेयर। तो आगे पीछे अपने दोनों इंस्टॉल होने वाले हैं। और MGP का जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसके अंदर भी MGP वाला जो अपना पावर विंडो आता है इंस्टॉल हो रहा है। सो भाई अपने फोकल के देखो इसमें कॉम्पोनेंट जो इंस्टॉल हो रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। तो ये ऑडिटर RSE 165 की कॉम्पोनेंट रहने वाले हैं। इनके स्पीकर देख लो, ये बुलेट स्पीकर आते हैं बेसिकली। सो इधर की तरफ देखो प्रॉपर अपना जो बुलेट स्पीकर्स आते हैं इसके अंदर इंस्टॉल होने वाले हैं, और इसके दो पेयर है, आगे भी इंस्टॉल होगा पीछे भी इंस्टॉल होगा। और इसके जो ट्यूटर आते हैं प्रॉपर यहाँ पे देखो फिटमेंट के साथ, यहाँ पे फोकल की जो ब्रांडिंग है इसके साथ यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। और स्नैक फिटर प्रॉपर देख सकते हो अंदर की तरफ से भी, आपको कोई आफ्टर मार्केट की चीज़ें नहीं लगेगी। तो इसकी भी प्रॉपर अपनी कपलर टू कपलर फिटिंग होने वाली है, यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने आपको एक यहाँ पे दिखाया था स्पीकर, और एक अपना स्पीकर यहाँ पे रखा हुआ है फोकल के ही। तो ये आगे पीछे अपना इंस्टॉल होने वाला है।
सो भाई मैंने आपको दो स्विफ्ट दिखाई थी, एक इधर जो अपनी व्हाइट वाली लगी है एंड जो एंड में लगी है मेटल ग्रे में, वो भी मैंने आपको दिखाई थी। तो बेसिकली दोनों गाड़ियाँ अपने पास पहले आई हुई थी और जो अपनी ब्लू वाली है ये भी आई, इसमें बेसिकली अपना मीटर लगना है टॉप मॉडल वाला। और वैगन आर भी अभी आई है अपनी मॉडिफिकेशन के लिए, तो वैगन आर में भी अपन काम करने वाले हैं और इसके अंदर ब्लू वाली मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या काम होना है। तो सचिन बाबू इसमें क्या मीटर लगा रहे हैं हम टॉप मॉडल वाला, चलो इसको निकालो। तो भाई अपनी ब्लू वाली स्विफ्ट का जो मीटर होता है प्रॉपर अपना बेस वेरिएंट वाला ओपन हो चुका है और अभी इसमें हम अपन टॉप मॉडल वाला जो अपना मीटर आता है प्रॉपर चेंज करने वाले हैं। तो सचिन भाई है यहाँ पे और इधर प्रिंस भाई बैठे हुए, तो काम कर रहे हैं भाई लोग। तो एक बार चेंज होता है उसके बाद आपको फाइनल रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। तो भाई अपनी स्विफ्ट के अंदर देखो प्रॉपर यहाँ पे जो है अपना फ्लोर की मैटिंग हो रही है, वाटरप्रूफ मैटिंग होती है। तो प्रॉपर बेलक्रू होता है इसके अंदर इंस्टॉल, उसके थ्रू ही अपने आपकी जो कारपेट होती है इसके ऊपर प्रॉपर स्टिच हो जाता है। तो फिटमेंट काफ़ी अच्छी आने वाली है, आपको फाइनल वीडियो दिखाने वाला हूँ। और जो बेसिकली अपना स्विफ्ट का ही रहने वाला है तो काफ़ी अच्छी फिटमेंट इसकी है। तो भैया अभी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे इंस्टॉल होता है उसके बाद आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो भाई अपने स्विफ्ट के अंदर देखो सौरभ भाई है, सौरभ भाई बेसिकली यहाँ पे कपलर टू कपलर फिटिंग कर रहे और ये देखो कपलर टू कपलर हो गया। ठीक है, ये अपना कंपनी थी, कंपनी वाली वायर देती है इसके अंदर, कंपनी वाली देती है पर हम इसमें छेड़खानी नहीं करते। ठीक है, तो मतलब ये बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट में भी कंपनी वायर देती है। हाँ ठीक है भाई, तो बेस वेरिएंट में भी अपना जो कंपनी है वायर देती है आपको प्रॉपर, मैंने इस भैया से कंफर्म कर दिया है बेसिकली। देखो ये कंपनी वाली वायर है, इसके अंदर अपन हम यहाँ पे कपलर टू कपलर फिटिंग है और इसके बाद जो कटिंग होती है तो अपनी इस कपलर में होती है और कंपनी वाली वायर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। और ये जो अपना फोकल का जो इसमें कंपोनेंट इंस्टॉल हो रहा है फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ, तो उसके अपने क्रॉसओवर यहाँ पे प्रॉपर है, क्रॉसओवर भी इसके अंदर फिटिंग हो जाएगा अंदर की तरफ प्रॉपर। और रिंग देख सकते हो, रिंग के साथ फिटमेंट है और MGP की जो ओरिजिनल अपनी पावर विंडो आती है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल होने वाली है। तो प्रोसेस कंटिन्यू है, जैसे जैसे काम होता है आपको ए टू जेड सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मीटर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, टॉप मॉडल वाला अपने मीटर इंस्टॉल हो चुका है और अभी कार के अंदर सारा काम कंटिन्यू है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सो भाई देखो अपना जो प्रॉपर ZXI+ वाला जो मीटर आता है तो प्रॉपर यहाँ पे इसकी फिटिंग हो रही है और प्रॉपर नट टू नट यानी कि स्क्रू से इसकी प्रॉपर फिटिंग की जाती है, एक्यूरेट फिटिंग है। सचिन भाई इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन होने देते हैं उसके बाद आपको फाइनल रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। तो बेसिकली अपने इस कार के अंदर स्विफ्ट में सिर्फ और सिर्फ मीटर अपना इंस्टॉल होना था और बाकी स्विफ्ट की वीडियो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई स्विफ्ट में देखो जो अपना इसका पूरा फ्रेम आता है तो बेसिकली फ्रेम के साथ ही अपना जो मीटर है प्रॉपर चेंज हो चुका है एंड फिटमेंट देख लो एक्यूरेट है। मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखाने वाला हूँ फिटिंग और स्नग फिट है, देखो प्रॉपर इसका लॉक टू लॉक फिट हो जाता है और कहीं से भी हम लोग इसमें चिपकाते नहीं कि फेविक्विक से चिपका दिया, ऐसा काम नहीं अपना और प्रॉपर फिटिंग के साथ इसको मीटर को इंस्टॉल कर दिया हमने। सो भाई जैसा मैंने आपको पहले ही बताया MGP का ओरिजिनल अपना मीटर रहने वाला है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो भाई प्राइसिंग फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट आपको मैं अगर अंदाज़ा बताऊँ तो 13,000 से लेकर 15,000 के बीच में आपको ये मीटर मिल जाएगा टॉप मॉडल वाला। और अगर आप मिश्रा व्लॉग्स के थ्रू आते हो भैया के शॉप पर तो काफ़ी अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल आओ अपने कार में सारा काम करा सकते हो और स्विफ्ट के अंदर अपना मीटर जो है प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। सो भाई अपना 2021 वाला जो अपना वेरियंट है फेसलिफ्ट वाला उसका ये मीटर रहने वाला है तो प्रॉपर इसके अंदर अपना इंस्टॉल हो चुका है। तो भाई अपने स्विफ्ट के देखो प्रॉपर जो ORVM आते हैं कंपनी वाले तो ऑटो फोल्डेबल रहने वाले हैं, इसकी फिटमेंट आप दिखाऊंगा आपको मैं, तो प्रॉपर इसकी कपलर टू कपलर फिटिंग होने वाली है। इसके दो पेयर है, इधर की तरफ देख लो MGP मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स जो आप देखते हो तो प्रॉपर इसके अंदर बॉक्स में आया है, एक अपना इधर की तरफ है एंड अनदर वन इज हियर। तो बेसिकली दो बॉक्स के अंदर अपना दोनों पीसेस ORVM के आ चुके हैं और स्विफ्ट के अंदर अभी इंस्टॉल होने वाला है। बेसिकली अब जो भाई देख रहे हो अभी कंपोनेंट इंस्टॉल कर रहे हैं, कंपोनेंट के इंस्टॉलेशन के बाद अपना ORVM की प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉलेशन की जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो भाई अपनी स्विफ्ट के अंदर देखो प्रॉपर जो अपना लोअर विंडो गार्निश आती है क्रोम वाली, तो इसके अंदर प्रॉपर इसकी इंस्टॉलेशन कंटिन्यू है। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर इसको प्राइमर लगा करके ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ आपको, प्राइमर रखा हुआ है एंड ये प्रॉपर प्राइमर लगा करके इंस्टॉलेशन की जाती है जिससे कि जल्दी निकलता नहीं है। सो इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो चुकी है, सो भी पूरी गाड़ी में अपना ये लोअर विंडो गार्निश इंस्टॉल हो जाएगा। तो भाई अपने स्विफ्ट के अंदर देखो जो प्रॉपर अपने MGP के जो पार्ट्स आते हैं बेसिकली अपना पावर विंडो रहने वाला है, तो ओरिजिनल मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स आप देख सकते हो इसके अंदर आता है। और इसके स्विचेस देख लो, जो अपना मेन कंसोल होता है वो यहाँ पे है एंड इसके ORVM के स्विचेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्रॉपर इसके जो पार्ट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं और गत्ते आप देख लो, जो पूरा अपना गत्ता होता है स्विफ्ट का, तो बेसिकली सारे गत्ते अपने पास चेंज होने वाले हैं। तो प्रॉपर फिटमेंट आपको दिखाने वाला हूँ एंड ड्राइवर साइड वाला जो अपना डोर है उस पर अभी काम कंटिन्यू है, तो जैसे जैसे फिटमेंट है A to Z आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा वीडियो में, वीडियो के साथ बने रहिए। और आप इसमें जो मीटर इंस्टॉल देख रहे हो बेसिकली जो मैं वीडियो शूट कर रहा था उससे पहले अपना मीटर इंस्टॉल हो चुका था, लेकिन मैंने आपको ब्लू वाले जो अपने स्विफ्ट थे उसके अंदर मीटर इसलिए दिखाया था इंस्टॉल होते हुए क्योंकि इसके अंदर अपना पहले से इंस्टॉल हो चुका था। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको इंस्टॉल होते हुए मैं वीडियो दिखाऊँ, मीटर दिखाऊँ, और इसीलिए मैंने आपको ब्लू वाली स्विफ्ट का मीटर जो इंस्टॉल हो रहा था उसका प्रोसेस दिखाया था। तो
तो अपना प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है इसके अंदर अभी, और ये पूरी अपनी गाड़ी की फिटमेंट है अभी। तो जैसे जैसे काम होता है आपको ए टू जेड सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सो भाई अपने स्विफ्ट के अंदर देखो, जो MGP की जो पावर विंडो मैंने आपको दिखाई थी, तो प्रॉपर यहाँ पे मोटर के साथ यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। एंड इसकी प्रॉपर वायरिंग किट आती है इसकी, तो देख सकते हो ये जो अपना पार्ट देख रहे हो, ये जो सॉकेट देख रहे हो, ये प्रॉपर अपना हो जाएगा अपने कंसोल के अंदर फिट, जो कि स्विचेज आते हैं अपने। सो यहाँ पे देखो प्रॉपर ये फिटिंग के साथ आते हैं, तो फिटमेंट काफ़ी अच्छी है इसके। तो इसे चैन देख लो, चैन यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है, मोटर प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है, और सॉकेट भी देख लो प्रॉपर फिटमेंट के साथ है। सो भाई अपने स्विफ्ट के अंदर टॉप मॉडल वाला जो अपना ORVM आता है, तो बेसिकली आप अंदर से इसको स्विच से एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो एडजस्ट एंड ऑटो फोल्ड आपको ये मिलने वाला है विद इंडिकेटर, देख सकते हो इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे प्रॉपर है। और MGP का पार्ट था जैसे मैंने आपको बॉक्स इसका दिखाया था, इसकी वायरिंग मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसकी वायरिंग देख लो, वायरिंग यहाँ पे प्रॉपर कपलर टू कपलर फिट हो जाएगा। और अंदर की तरफ ना बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका है गाड़ी में, तो जैसे जैसे कंप्लीट होता है आपको ए टू जेड प्रोसेस दिखाने वाला हूँ मैं। और इधर की तरफ देखो, अपने जो फोकल के कंपोनेंट थे, कंपोनेंट यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो चुके हैं। और उसका जो ट्विटर था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो बेसिकली यहाँ के जो गत्ता आता है उसके गत्ते के ऊपर अपना इंस्टॉल हो चुका है, वो भी मैंने आपको दिखाया था। फिटमेंट के बाद आपको फाइनल मैं शॉट दिखा दूंगा। सो भाई अपनी स्विफ्ट के अंदर देख सकते हो जो गत्ते होते हैं, तो गत्ते चेंज हो चुके हैं बेसिकली। जो अपने बेस वेरिएंट में आते हैं उसमें हैंडल आता है जिससे आप अपनी विंडो को ऊपर करते हो, तो इसके अंदर जो MGP वाली ओरिजिनल पावर विंडो इंस्टॉल की है, इसकी वजह से अपना जो गत्ता होता है प्रॉपर चेंज होता है। उसकी स्विच यहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है, और इतना गत्ता जो है गत्ते की फिटमेंट कंटिन्यू है। तो बस सारा गत्ता अपना फिट हो जाए, उसके बाद आपको फाइनल वीडियो दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। सो भाई अपनी स्विफ्ट के अंदर देखो प्रॉपर OEM फिटमेंट के साथ जो अपना स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है वो इंस्टॉल होने वाला है। तो भैया यहाँ पे उसको निकाल रहे हैं, और बेसिकली इसका प्रोसेस ही होता है जो आप देख रहे हो, तो इसी प्रोसेस के थ्रू ये निकलता है। उसके बाद अपना प्रॉपर हब के साथ इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल अपना ओरिजिनल MGP मारुति जेन्युइन पार्ट्स वाला इंस्टॉल होगा। तो उसकी इंस्टॉलेशन कंटिन्यू है, जैसे होता है मैं आपको प्रॉपर वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो भाई जैसा ही मैंने आपको बताया था, अपना स्विफ्ट है, स्विफ्ट के अंदर जितना भी मॉडिफिकेशन था हमने सारा कुछ किया है। कुछ काम इसमें रह गया, जैसे अपना हेडलाइट चेंज करना था, इसमें BIO टॉप मॉडल वाला हेडलाइट लगवाना था, और फॉग लैंप में अपना LED इंस्टॉल होना है। तो ये चीज़ें जो है दो तीन चीज़ें रह गई हैं, ये इसीलिए भैया मंडे को आकर के कराएंगे, और बाकी सारी मॉडिफिकेशन हमने इसके अंदर कर दी है। अलॉय भी भैया जो अपने मंडे को आकर के लगाने वाले हैं। तो फ्रंट की तरफ देख लो, जो नॉर्मल प्रोफाइल है वही रहने वाली है, और फॉग लैंप यहाँ पे हमने प्रॉपर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। ORVM देख लो, ORVM जो अपना प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। और इधर की तरफ देख लो अपना जो DRL वाला आता है, तो बेसिकली अपना ये टॉप मॉडल वाला अपना रहने वाला है, प्रॉपर फिटमेंट है, और अंदर से इसको ऑटो फोल्ड और ऑटो एडजस्ट आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखो लोअर विंडो गार्निश जो होता है प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, उसके ऊपर अपना रेन वाइजर भी यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। तो पीछे की तरफ देखो पिलर लाइट भी अपने प्रॉपर इसके अंदर इंस्टॉल हो गया है, और ये जो आप देख रहे हो टेल लैंप भी आप मंडे को ही चेंज करवाएंगे। बेसिकली उनका प्लान था चेंज कराने, बट उन्होंने मंडे को रखा है उसको, तो ये अपना जो है टेल लैंप भी मंडे को चेंज हो जाएगा। बैक की तरफ देखो यहाँ प्रॉपर अपना जो कैमरा है फिटिंग हो गया इसकी बंपर के अंदर, तो उसको प्रॉपर फिटिंग के साथ यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। ये अपनी बैक प्रोफाइल से देख लो स्विफ्ट, मैं आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर में, और इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम हम लोगों ने किया है। भाई अपना जो ओरिजिनल आता है MGP वाला पावर विंडो, तो उसके अंदर ये इंस्टॉल हो गया है, और इसके वजह से अपना जो पूरा गत्ता होता है देख सकते हो ओरिजिनल टॉप मॉडल वाला अपना इसके अंदर गत्ता इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे अपना जो कुशन वर्क आता है प्रॉपर, तो ये अपना गत्ता भी चेंज हुआ है। अंदर की तरफ पावर विंडो भी हमने ओरिजिनल इंस्टॉल कर दिया है। फोकल के इसके अंदर कॉम्पोनेंट इंस्टॉल हुए, इसके अंदर अपना RD का सेंटर लॉकिंग भी इंस्टॉल हुआ था। प्रॉपर अपना MGP ओरिजिनल पावर विंडो भी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। भाई नीचे की तरफ देखो फ्लोर की अपनी प्रॉपर मैटिंग हो गई है इसके अंदर। भाई इसके अंदर देख सकते हो निपॉन की अपने प्रॉपर एंड्रॉइड स्टूडियो 9 इंच का इंस्टॉल हो गया है। तो भाई 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी वाला अपना निपॉन का प्रॉपर एंड्रॉइड स्टूडियो रहने वाला है 9 इंच का। और यहाँ की तरफ देखो अपना टॉप मॉडल वाला ZXi+ में जो मीटर लग के आता है प्रॉपर उसकी इंस्टॉलेशन हो गई है। यहाँ पे देखो स्टीयरिंग को भी रैप किया गया है, और स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल विद हब इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है, अपना प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है अपना ये। और इधर की तरफ मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, जो टॉप मॉडल वाला अपना मीटर था, तो प्रॉपर उसकी इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे हो चुकी है। तो भाई स्विफ्ट के अंदर एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे जो फ्रंट की सीट रहने वाली है बेसिकली देखो ये फ्रंट सीट है अपनी, और इसके अंदर जो अपना हेडरेस्ट आता है तो ये फिक्स हेडरेस्ट आता है अपना, तो भैया ने इसको यहाँ पे कटवा दिया है अपनी, तो इसको कटवा करके इसको प्लेन रखा हुआ है। और इसकी फिटमेंट देख लो, फुल बकेट सीट कवर अपने रहने वाले हैं, फिटमेंट देख लो बिल्कुल एक्यूरेट आई हुई है। और फिलहाल अपनी गाड़ी का इंटीरियर देख लो आप, बाकी जो भी इसमें काम रह गया है वो सारा होना है मंडे को। तो अपनी स्विफ्ट के अंदर सारा काम होता है ललित कार एक्सेसरीज पे, तो आप भी आ सकते हो अपना काम सारा करवा सकते हो अपनी कार के अंदर। और यहाँ पे अपनी एक वैगनार भी रेडी हो रही है, ऑन द सेम टाइम यहाँ पे अपनी एक i20 में भी काम हो रहा है, यहाँ पे ऑल्टोस में भी काम हो रहा है, तो काम काफ़ी अच्छा होता है भैया के पास। उस साइड भी अपनी एक वर्नार लगी हुई है, तो ये सारा काम हो रहा है ललित कार एक्सेसरीज पे, आप भी आ सकते हो अपने लिए सारा काम कराना, और ललित भैया मिलेंगे, मिल करके अपनी कार के लिए आपके जो भी कार है काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन यहाँ से करा सकते हो। तो अगर आपको अपनी स्विफ्ट वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जुड़े हमारे चैनल के साथ और भी अच्छी अच्छी अपडेट्स के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टर ब्लॉग्स, हैव अ नाइस डे।